हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। हम देखिए, नंबर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, ये पैटर्न इस साइड फॉलो होना चाहिए। हम देखिए, 12 है, 6 है, 7 एंड 31। हम देखिए, 12 में से 6 माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 6, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू में 4, और 7 ऐड कर देते हैं प्लस 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 6 इंटू में 4 प्लस 7। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31। हम देखिए, 31 गिवन है। अभी पैटर्न इसमें चेक करते हैं, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो जाएगा 14 माइनस 8। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 6 इंटू में 4 प्लस 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। हम देखिए, 28 गिवन है। अभी पैटर्न इसमें लगा देते हैं, फिर जाएगा 9। यहाँ पे हम x मान लेते हैं, फिर जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू में 4 प्लस 10 ऐड करेंगे, फिर जाएगा प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास आना चाहिए 18 इज इक्वल टू 18। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू में 4, 10 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन में 4। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 2। यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।